गाय मरी पड़ी है यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ पे गाय मरी पड़ी है, और गाय को आई थिंक लेपर्ड वेपर्ड ने मारा है इसको रात को दो दिन पहले। और अभी आप देख रहे हो हालत, सारे हम पहुंच चुके हैं हडिंबा टेंपल। लकड़ियों से बना हुआ इतना ब्यूटीफुल टेंपल है, तो लोग इसी के लिए आते हैं। 3 फ्लोर्स, स्टोन्स एंड वुड। मोटी मोटी लकड़ियों का बना हुआ है, और इन लकड़ियों पर जिस तरह से ये दादी फोटो तो खिंचा लेंगे। ये बताओ ये मंदिर बना कब था? ऐसे छोटे छोटे खरगोश मिलेंगे, आप फोटो खिंचवा सकते हैं उनके साथ। ये तो खाते भी है ना, बहुत ज्यादा खा सकते हैं ना ये। आप ही बताओ ये मंदिर का क्या है, कितने दिनों से बना हुआ है? हडिंबा कौन थी? बहुत सालों से। तो हडिंबा कौन थी? वो तो कहते थे कि हडिंबा तो राक्षसनी थी ना पहले, है ना? फिर उनका शायद वो भीम के साथ उनका चक्कर चला, और फिर दोनों बेटा हो गया ना। और घटोत्कच का तो महाभारत में बहुत बड़ा रोल था। और ये देखो, ये लोकल ड्रेस है हिमाचली, तो यहाँ पे ऐसा अगर आपको फोटो खिंचवानी है हिमाचल ड्रेस अगर आपने देखी होगी तो यू कैन कम हियर। अरे तो क्या हुआ भाई, यही थी ना भीम की पत्नी, और कौन? भीम की पत्नी थी ना, पर वो तो राक्षसनी थी, फिर वो देवी कैसे बन गई? स्तुति करके बन गई ना देवी भाई, प्रार्थना करके। स्तुति किसकी? स्तुति करके। अब मेरे को क्या पता अब किसकी की इतनी जानकारी नहीं है मेरे को, पर किसी की तो की है ना। स्टोरी अच्छा लिखी हुई है क्या? मंदिर के नीचे है। अच्छा लिखा हुआ है क्या? मैं जाता हूँ एक बार। दो बोर्ड लिखे हुए बड़े बड़े। आप कहाँ से हो? यहीं से, हम भी तब। किधर? मैं यहीं रहता हूँ 2 साल हो गए। नसोगी? मैं सुरु गांव में रहता हूँ। अच्छा। और आजकल सेथन में आए थे हम भी, हम एक बार। अब कब? तो बीच में आता है ना कैजुअल मॉन्क्स, आपने देखा नहीं होगा। छिलेत गांव में आता है एक अपना कॉटेज, अगली बार आओ तो चाय जरूर पी के जाना। नाम क्या आपका? मेरा नाम विजय। विजय हाँ, चलो जी बैठना है। अजी बैठ लिए नीचे यार। ये याक दूध भी देता है क्या? ये वो मेन। तो ये फीमेल है कि मेल है? मेल है। अच्छा ये मेल है, फीमेल दूध देती है ना, और उसका चीज वगैरह भी बनता है ना? याक चीज वगैरह बनता है। हाँ, वो याक चीज तो बहुत तगड़ा होता है। यहाँ मिलता है क्या अपने मनाली में? नहीं मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा। लद्दाख में मिलता है, और उधर तो वो भी खाते भी है ना लोग, याक का मीट सुखा के खाते है। क्या नाम है इसका? राजा। राजा देखो, राजा के बाल देखो, एकदम सेक्सी बाल है, बहुत तगड़े बाल है राजा के। राजा एकदम कूल है। थैंक यू भाई जी। सो हमने यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की ट्राई की, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने रोक लिया कि आप मंदिर के सामने ड्रोन नहीं उड़ा सकते। रीजन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यार, और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते, बट क्यों आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट सी एनीथिंग सीक्रेट। सो आई थिंक पीपल शुड टेक द पिक्चर्स एंड शुड डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट इट। एप्पल बेच रहे हो? येलो गोल्डन एप्पल। कितने का दिया? 40 का सर। हैं? 40 का। 40 का? हाँ जी। बड़ा नहीं। ये भी डालूँ। You want salt? Yeah, you can. Yeah. कम डालना ज़्यादा। हाँ जी। You want more or you want less? Less. Oh no, this is big one. नहीं चाहिए उनको, एक ही काफी है। Yellow. You try. Like. तो बताइए, did you like it? 40 रुपीस, ब्यूटिफुल एप्पल। क्या लगता है आपको, हडिंबा माता थी कौन? हाँ,
लेकिन भीम देवी नहीं थी ना, तो डीमन थी ना, राक्षस नहीं थी ना, राक्षस थी ना पहले। बनी कैसे फिर देवी? भीम के साथ की ना उन्होंने शादी, तब हो गए इसका ये रूप। अच्छा यहाँ लिखा ना मैं, अच्छा वहाँ पे, अच्छा वही से सब जानकारी मिलेगी वही से आपको। तो कंक्लूजन ये है, इफ यू आर डीमन and if you get married with God, then there is a chances to you to also become God. So find a good bride or groom. Demon, हाँ भाई साहब वो राक्षसनी थी। और भाई साहब ने क्या करते हैं, जब जा रहे पांडव वांडव सब घूम रहे थे अज्ञातवास में, तो भाई अपनी हडिम्बा देवी को पसंद आ गई भीम, तो उन्होंने क्या किया, अपना अपना रूप चेंज करके भीम से मिलने लग गए, और कनेक्शन मतलब बिल्ड हो रहा था किस किस के बीच में, हडिम्बा और भीम के बीच में मेरा कनेक्शन बढ़िया स्ट्रॉन्ग चल रहा था। लेकिन भाई प्रॉब्लम यहाँ पे था, कहानी में अगर विलन ना हो तो फिर कैसे होगा, तो इस कहानी का विलन था हडिम। हडिम कौन था? हडिम भाई साहब था हडिम्बा का भाई। तो जब भाई को पता लगा कि भाई हमारी बहन तो इधर उधर भीम के साथ घूम रही है, तो भाई को आया गुस्सा, तो भाई चले गए लड़ाई करने भीम के साथ, और बहुत भयंकर लड़ाई हुई, कई हफ्तों तक लड़ाई चली ऐसा लिखा हुआ वहाँ पे। उस लड़ाई के बाद भाई साहब अपने, भीम तो हीरो थे तो भीम जीत गए, लेकिन जो माता कुंती थी उसने बोला देखो और सब ठीक है, प्यार मोहब्बत सब ठीक है, लेकिन अपने को भाई लड़ना है, अपने को कौरवों को भगाना है, तुम यहाँ फंस गए तो दिक्कत है। लेकिन उन्होंने कहा कि यार देख मैं समझती हूँ प्यार व्यार तुम करते हो, तो मैं समझती हूँ बात को। उसने कहा देख एक साल तो उसके साथ रह सकता है, किसके साथ? हडिम्बा के साथ। और जैसे ही तेरा बच्चा हो जाएगा फिर तू छोड़ के चला जाएगा वापस यहाँ से, और फिर निकल लेना है, अपने को फिर से कौरवों के पीछे लगना है अपने को। तो मतलब जैसे ही उसने हडिम को मार दिया भीम ने, हडिम्बा और भीम दोनों आ गए साथ में, और तब निकल गए कुंती और बाकी चार पांडवों के साथ, वो निकल गई यहाँ से। लेकिन जैसे एक साल जैसे कंप्लीट हुआ, जब बच्चा हो गया, सो बेसिकली क्या था कि भाई अब क्या था कि भाई बोला कि एक साल पूरा हो गया है तुम्हारा, अब बच्चा भी हो गया, और बच्चा था बहुत तगड़ा घटोत्कच, ऐसा नहीं तो बच्चे का करेक्टर भी तुम्हें पता ही है, बहुत तगड़ा करेक्टर आएगा महाभारत में घटोत्कच का। तो फिर क्या किया, तो एक साल हो गया तो उसने बोला ठीक है अब बाबा टाटा बोलो, हडिम्बा देवी को बोलो बाबा टाटा, अब चलो आगे। लेकिन फिर क्या होता है कि जो घटोत्कच है उसका बहुत बड़ा रोल आता है महाभारत में। तो महाभारत में तुम्हें पता है कि कर्ण के पास बहुत ताकतवर आदमी था, तो कर्ण ने एक बाण छोड़ा था जो कि बहुत मुश्किल था अर्जुन की तरफ था, जो अर्जुन बच पाए उस बाण से। तो घटोत्कच का रोल इस लाइफ में ये था कि वो उसके सामने आता और मर जाता, बलिदान दे देता है, और जो कर्ण का जो बाण था, जो एक स्पेशल पावरफुल बाण था, नाम याद नहीं आ रहा उसका मेरे को, तो उस बाण को रोक लेता है। जब वो उस बाण को रोक लेता है मतलब वो अपना बलिदान दे देता है, तो कृष्ण भगवान जी बहुत खुश होते हैं, और कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हडिम्बा और घटोत्कच क्योंकि आपको अगले युगों में आपको बहुत पूजा की जाएगी, आपकी बहुत पूजा की जाएगी, समाज में आपका इज्जत होगा, मतलब आपका भोगाल मचाया जाएगा क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया। उसके बाद हडिम्बा माता और घटोत्कच का आप नाम सुन पा रहे हो, और हडिम्बा माता पे यहाँ पे ऐसा भी होता है कि, तो फिर बाद में क्या किया कि भीम भीम तो चले गए थे आगे छोड़ के, क्योंकि एक साल हो गया था उनको तो चले गए थे, लेकिन बाद में हडिम्बा माता ने भी फाइट की यहाँ के कुछ राक्षसों से, और राजा को, एक सही राजा को गद्दी पे बैठाया इस कुल्लू मनाली के एरिया पे। तो आज भी क्या होता है कि जब भी कुल्लू का मेला लगता है, कुल्लू का एक बहुत बड़ा मेला होता है हिंदुस्तान में, अगर मैं कहूँ जो दशहरा मेला है वो कुल्लू का सबसे बड़ा मेला होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे देवी देवताएं जाते हैं, तो हडिम्बा माता का जो देवी रूप में यहाँ पे आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो हडिम्बा माता का ही स्टार्ट से ही वो मेला स्टार्ट होता है, मतलब हडिम्बा माँ के स्वागत से ही स्टार्ट होता है। और उस मेले में आज भी जो कुल्लू के राजा अभी भी है भाई साहब, वो आते हैं हमेशा, तो वो कल्चर हमेशा से चला है। तो ये कहानी थी, कहानी में प्यार है, विलन है, सेक्रीफाइस है, सब है, बट तुम्हें इससे क्या सीख मिलती है कि भैया पति और पत्नी ढूंढ रहे हो ना, अच्छे से ढूंढो, तुम्हारा करेक्टर कैसा भी है पति और पत्नी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उनके पाप पुण्य से तुम्हारा ही भला हो सकता है, ठीक है। और बहुत ब्यूटीफुल, और हमें यहाँ पे ड्रोन चलाने नहीं दिया, लेकिन हम ड्रोन जाएंगे पीछे से चुपके से चलाएंगे, क्योंकि ड्रोन का फायदा है क्या अगर वो 2-3 किलोमीटर पीछे से चला के चुपके से लेके नहीं आ सके, ठीक है। Where are we going? Nowhere. It's everywhere. So we are trying
We're trying to find out a place where we can, you know, fly our drone. ये देखिए हमारे हिंदुस्तान को प्लास्टिक ही प्लास्टिक पटक रखी है, और मैं भी कुछ नहीं कर रहा, मैं भी ज्ञान ही दे रहा हूँ। बट यार भाई लोगों, अपना कचरा उठाओ यार, देखो क्या हालत कर रखी है। Can you see this? Yes. It's almost everywhere. Yeah. और मेरी बात मत सुन रहे हो तो भाई इनकी बात तो सुन लो। तो बोल रहे हैं भाई अंग्रेज कि भाई बाहर से आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या कचरा पात्र बना दिया लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने। अरे कॉमन सेंस, अपनी प्लास्टिक लेके आओ, लेके चले जाओ ना घर पे अपने साथ में, क्यों फेंक के जाना है भाई।